हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और आज मंडे है। मैं फालतू में चिल्ला रही हूँ। आज मंडे है तो सावन का मंडे है, सोमवार। बहुत से लोग फास्ट होंगे, सेकेंड है यार। तो भगवान उनके फास्ट अच्छे अच्छे से रखे। और हम लोगों ने नहाए धोए कर लिए, मम्मी ने भी नहा लिया है। हम लोग मतलब सबने नहा लिया, बस पूजा करनी बाकी है। और यहाँ पे ना मम्मी तो कुछ कर रही हैं। क्या कर रही हो मम्मा? दूध बॉईल कर रहे हैं। और मुझे भी ना पूजा की थाली लगानी है। तो ये रहे फ्लावर्स और वहाँ रही थाली। थाली साफ है लेकिन इससे रेगुलर की साफ होती है ना, वही करनी है। तो चलो कर लेते हैं, पूजा करते हैं, फिर जाना है अपने घर के पास वाली मंदिर। मम्मी तो ऑफिस चली जाएंगी, हम और नैन्सी ही जाएंगे। तो चलो फटाफट से कर ले ताकि सारी चीज़ें टाइम पे हो जाए। सो फ्रेंड, घर की पूजा तो हो गई है। हम जा रहे हैं मंदिर, तो ये पास की मंदिर है तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अपने घर के पास की मंदिर। गोपेश्वर नाम से है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। और आज सावन का दूसरा सोमवार था तो काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। और घर आए तो बस मेरे हाथ में ड्रेसिंग करनी थी, तो नैन्सी काफ़ी अच्छे से ड्रेसिंग वगैरह कर लेती है। तो उसने अच्छे से पहले गर्म पानी से मेरी चोट को साफ़ किया, कल की पट्टी हटाई, साफ़ किया, और देन उसके बाद बेटाडीन लगाया पट्टी बना के, और फिर उसे रैप किया पट्टी से। तो अच्छे से अभी भी ना मेरे हाथ में थोड़ा सा पेन है। और अब मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आज तो मेरा हाथ ठीक है, लेकिन उस दिन जिस दिन का है ये वीडियो उस दिन बहुत ज़्यादा थी। मैं अपनी चोट दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे मेरे लगी थी हाथ में। तो मेरी दो तीन फिंगर में लग गई थी गाइस। और पर बाबा की इतनी ब्लेसिंग थी कि मेरे को ज़्यादा नहीं लगी, जितना बड़ा एक्सीडेंट हो रहा था मतलब हुआ था उतना बड़ा मेरे लगा नहीं हाथ में। तो बस थोड़ा बहुत चोट तो चलती रहती है, लाइफ में चीज़ें होती रहती हैं। और यहाँ पे नैन्सी ने बस देखो बेटाडीन लगा के उसने अच्छे से पट्टी बना ली। बहुत हिम्मती, मतलब छोटी है लेकिन उसके अंदर हिम्मत बहुत है। और मैं जितनी बड़ी हूँ ना, मैं उतना ही ज़्यादा किसी की चोट को, किसी के रोने को देख के, किसी के ब्लड को देख के, मेरा ना बीपी भाई हाई लो होने लगता है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है चीज़ों को लेके। उस दिन भी ना जब मेरे चोट लगी थी, मेरे हाथ से ब्लड निकल रहा था और मैं अपने ब्लड को देख रही हूँ बहते हुए। और फिर एक बाउल में ठंडा पानी था, उसमें हाथ डाल के रखा ताकि ब्लड रुक जाए, और वो बाउल भी रेड हो गया था। ये सब देख के ना आपको यकीन नहीं होगा, मेरे को बेहोशी आ गई थी। मैं ये देख के बेहोश हो गई थी। और उस कंडीशन में नैन्सी ने अच्छे से सारी चीज़ें हैंडल की और उसने मुझे होश में लाई पानी वानी डाल के। तो सही है, इंसान को थोड़ा हिम्मती होना चाहिए, लेकिन सब लोग नहीं होते ना, कुछ का दिल इतना नहीं स्ट्रांग होता है। उनमें से मैं भी हूँ, मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ चीज़ों को लेके। तो गाइस, बस यही यहाँ पे पट्टी करने की कोशिश कर रही है। सो फ्रेंड, मेरी ड्रेसिंग हो गई है। डॉक्टर साहब आई थी आला वाला लेके, मकड़ी का जाला लेके, और अच्छे से नैन्सी ने ड्रेसिंग कर दी है, क्योंकि आई थिंक बैंडेज अभी इसके लिए ठीक नहीं था। ये बैंडेज के ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा ऐसे निशान लग रहा था मुझे, तो फिर से आज बेटाडीन वाली पट्टी करवा ली है, तो एक दो दिन में ये ठीक हो जाएगी। और अभी कुछ भी काम नहीं है, सारे काम मॉर्निंग में हो गए, तो कुछ नहीं है। खाना बनाना है मेरा, नैन्सी का, अम्मा का, देखते हैं क्या बनाना है। और शाम को कहीं जाना है, होप भी अगर हो पाया तो शाम को कहीं जाना है, तो मैं आपको लेके चलूँगी कहीं अच्छी जगह दर्शन करने। तो तब तक लिए कुछ नहीं, आराम करना है, बाकी जो होगा आप दिन में आपके साथ मैं शेयर करूँगी। दोस्तों, नैन्सी ने एक बड़ी सी रोटी बनाई है, उस पर नमक डाला है और उस पर मिर्चा डाला, पता नहीं अभी क्या कर रही है, शायद तुम वो बना रही हो।
खुरमा। दोस्तों क्या करेगा आज, मेरे पराठा, हमने बोला अच्छा सा पराठा खाने को मन है, तो ये कर रही है, उसने सब मिला दिया आपस में। ठीक है, अभी पता नहीं दोस्तों क्या करेगी, ये सब रोटी को काट क्यों दी इसे, आई रियली डोंट नो। मैंने इस तरीके से कभी भी पराठा नहीं खाया है, और इसमें ना चिली फ्लेक्स पड़े हैं, तो आई नो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होने वाला है, पर ये बिलेगा कैसे, पूरा खुल जाएगा पराठा, आपको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है, इसे खुल जाएगा पराठा ये? हाँ, तो गोल गोल तो बिलेगा नहीं फिर, बिलेगा। ये कैसा पराठा बना रही हो, वो सारा इसने धुरन ले लिया है, अभी हाथ धोने गई है, हम लोग घर में यही परेशानी है, कुछ भी काम हम लोग करते बार बार हाथ धोना रहता है, हाथ में कुछ भी नहीं लगना चाहिए, हाथ में कुछ ना लगे, भले नैन्सी के मुंह में लग जाए धुरन। वैसे दिख तो रहा यार, सही है, देखते थोड़ा बड़ा तो होने दो इन्हें, सो स्पाइसी, और मुझे बहुत जोर का भूख लगी है। जस्ट अभी मैं सो के उठी हूँ, और बाहर देखा ना इतना प्यारा मौसम हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब जो होता ना देख के जो खुशी होती है वैसा वाला मौसम हो रहा है, तो बस यही प्लान है, नैन्सी फटाफट झाड़ू लगा ले, हम किचन का देख लें, और फिर चलते हैं छत पे अपनी अपनी चेयर लेके, तो थोड़ी देर बैठेंगे, वेदर इंजॉय करेंगे, तो बस अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, चाय पियेंगे, मम्मा आ गई हैं, और फिर आराम से छत बैठेंगे। मेरे पीछे बहुत सारे कपड़े हैं जो कि नहीं दिखा सकती यार, बताइए ये सुबह फैला के आओ, दिन में बारिश हो, भाग के जाके लेके आओ, फिर सुबह फैलाओ, मतलब बहुत ज़्यादा वैसा लग रहा है, पर इट्स ओके, वेदर है तो ऐसा तो हो गई। चलो आपको वेदर का अपडेट दिखाती हूँ, सीन दिखाती हूँ बैग से। सो गाइज, हमेशा जैसे सोचो वैसा तो हो नहीं सकता। सो आज हम लोग को जाना था शाम को मंदिर, पर गए नहीं क्योंकि मम्मी को अर्जेंट कहीं जाना पड़ गया, तो मंदिर नहीं गए। आज खाने में यही बना था, और बनी थी भगवान जी के लिए मीठे में खीर, तो भगवान जी को भोग लगा और भोग का प्रसाद हम लोग को भी मिला। तो गाइज यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, आई होप मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ कल के व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।